दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में एक वैन दिखाया जाता है जो जंगल में कहीं जा रही होती है, जिसके बाद हम एक साइकियाट्रिस्ट और साथ ही आर्मी डॉक्टर तारा को देखते हैं, जिसे आर्मी का कर्नल आकर कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है क्योंकि तारा अभी अभी यहाँ अपॉइंट हुई है। दूसरी तरफ हम ब्रायन नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो तारा का बॉयफ्रेंड भी है, जिससे मिलने रिचर्ड नाम का आदमी आता है, जहाँ वो दोनों किसी तरह की दवा के बारे में बात करने लगते हैं। अब हम तारा को उसके घर पर जूलिया से वीडियो कॉल पर बातें करते हुए देखते हैं, जो कि ब्रायन की एक्स गर्लफ्रेंड है, पर इसके अलावा वो तारा की बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी घर पर डिलीवरी बॉय ब्रूस आता है, इसलिए तारा कॉल कट करके सामान लेने जाती है, पर ब्रूस तारा का अपहरण करके अपनी वैन में ले जाता है, जो कि वही वैन होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अब तारा को बेहोश करके जंगल में ले आता है और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर बेचारी असफल रहती है। फिर तभी वहाँ ब्रूस आता है जो उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाया होता है। वो तारा से कहता है कि जिस चेन में मैंने तुम्हें बांधा है वो चेन यहाँ से बस बाथरूम तक ही जाती है। तारा उससे उसे छोड़ देने की विनती करती है, पर ब्रूस कहता है कि समय आने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ब्रूस के जाने के बाद तारा वैन को एक्सप्लोर करने लगती है और तभी उसे वहाँ एक रेडियो दिखाई देता है, पर वो उसकी पहुँच से दूर होने के कारण वो उसे ले नहीं पाती और दुखी होकर पुराने बातें सोचने लगती है, जब वो आर्मी बेस पर जाने वाली थी। लेकिन ब्रायन को तारा का आर्मी में जाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो उसे जाने से मना भी करता है कि तुम कुछ और भी काम कर सकती हो, लेकिन वो नहीं मानती, जिससे उन दोनों में बहस भी हो जाती है, पर तारा उसे अंत में मना लेती है। अब वैन में तारा को एक और तारा दिखाई देती है जो कि उसके ही थॉट्स होते हैं। थॉट्स वाली तारा असली तारा से कहती है कि जरा सोचो कि उस आदमी ने तुम्हारा अपहरण क्यों किया, शायद उसे फिरौती के पैसे चाहिए, या उसका इरादा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का है, या फिर हो सकता है कि वो कोई तुम्हारा दुश्मन है, या फिर विरोधी दल का कोई आतंकवादी जो तुम्हारा अपहरण करके आर्मी के सारे सीक्रेट्स को जानना चाहता है, और यदि ऐसा है तो तुम उसे कुछ मत बताना वरना तुम भी एक आतंकवादी कहलाओगी। जो सुनकर तारा और परेशान हो जाती है और तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है। तारा अब उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इरादा क्या है, जिस पर ब्रूस उसे अपना नाम बता देता है, पर वो तारा को कैसेंड्रा कहकर कहता है, जिस पर तारा कहती है कि मेरा नाम कैसेंड्रा नहीं है। लेकिन ब्रूस कहता है कि जो मैंने कहा तुम्हें वही मानना होगा, और डर के मारे वो मान भी लेती है कि उसका नाम कैसेंड्रा है, जिसके बाद ब्रूस खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब तारा फिर से पुरानी बातें सोचने लगती है, जब कर्नल उसे समझा रहे होते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दरअसल तारा एक कैदी जॉर्ज की ट्रीटमेंट सेशन ले रही थी, जिसने अपने पत्नी की हत्या कर दी थी, और डिप्रेशन में आकर जॉर्ज ने खुद को भी फांसी लगा ली, और इसी कारण से तारा परेशान है, पर कर्नल के समझाने पर वो मान जाती है, जिसके बाद वो एडी नाम के सोल्जर का सेशन लेने लगती है, क्योंकि जब से वो मिशन से वापस आया है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो तारा से कहता है कि मैंने वही किया जैसा आर्मी वालों ने मुझे सिखाया, वहाँ कुछ आतंकवादी बचे थे जिन्हें बहलाकर उनके साथ में हथियार थमा दिए गए थे, और फिर मैंने उन सारे मासूम बच्चों को मार दिया, जिस पर तारा उसे समझाती कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी टीम की रक्षा करो, फिर चाहे सामने कोई भी हो। वो उसे बहुत समझाती है पर एडी नहीं समझता। दूसरी तरफ ब्रायन जूलिया को फोन करके तारा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो जवाब देती कि मैं नहीं जानती,
लेकिन वो ये कह रही थी कि उसे 3 दिन के लिए आर्मी बेस पर जाना है, शायद वो वहीं चली गई हो। जो सुनकर ब्रायन को भी लगता है कि शायद वो वहीं गई है, इसलिए वो निश्चित हो जाता है। इधर वैन में थॉट वाली तारा असली वैन से कहती है कि तुम्हें उस रेडियो को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद इससे कोई मदद मिल सके। इसलिए अब वो बहुत कोशिश करके रेडियो तक पहुंच जाती है और उस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, और भाग्य से दूसरी तरफ से बुलेट नाम का आदमी तारा से कनेक्ट हो जाता है। तारा अब उससे विनती करती कि मेरी मदद करो, क्योंकि ब्रूस नाम के आदमी ने मेरा अपहरण कर लिया है। जिस पर बुलेट कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो सकता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही होगी। तुम अब कहोगे कि तुम्हें जगह नहीं मालूम कि तुम कौन सी जगह पर हो, तुम्हारे पास फोन तक नहीं होगा, तुम फिर मुझे अपने घर का पता बताकर वहाँ जाने को कहोगी, और मान लो कि मैं चला भी गया और वहाँ कोई भी ना हुआ तो पुलिस बिना मतलब मुझ पर ही शक करने लगेगी। जो तारा कहती कि तुम सही कह रहे हो कि मैं यही कहने वाली थी। जिस पर बुलेट कहता है कि मैंने जानकारी निकाली है, किसी ने भी हाल ही में किसी के अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। जो जानकर तारा काफी परेशान हो जाती है और बुलेट भी रेडियो से संपर्क काट देता है। अब तारा रॉजर नाम के कैदी के सेशन के बारे में सोचने लगती है, जो एक आर्मी सोल्जर था लेकिन पैसों के बदले लोगों की हत्या भी किया करता था। तारा अब उसे अपना अपराध मानने के लिए कहती है कि उसने पैसों के बदले निर्दोष लोगों की हत्या की है, पर रॉजर अपना अपराध मानते हुए और साथ ही निडर होकर तारा से कहता है कि हाँ, मैंने पैसों के लिए लोगों को मारा है और अब भी मैं और लोगों को मार सकता हूँ। इस पर फिर तारा जवाब देती है कि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। जो सुनकर रॉजर उसकी बातों में आने लगता है, और अब तारा फिर से जॉर्ज के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। जहाँ कर्नल उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर वो उसे दिलासा देने के बहाने उसे गलत तरह से छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन तारा उस पर गुस्सा ना करते हुए उससे कहती है कि ब्रायन भी मुझे आर्मी की जॉब करने से मना कर रहा है, और इस बात पर हमारे बीच झगड़ा भी होता रहता है। जिसके बाद तारा उस समय के बारे में सोचने लगती है जब ब्रायन उसके फोन से कर्नल का मैसेज पढ़ रहा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि यदि तुम्हें ब्रायन पसंद नहीं तो तुम मेरे साथ नई शुरुआत कर सकती हो, जो पढ़कर ब्रायन एकदम गुस्सा हो जाता है। पर तारा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वैन में बुलेट फिर से तारा से संपर्क करके कहता है कि वैन की तलाशी लो और देखो वहाँ कोई नाम या कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से मैं तुम्हारा लोकेशन पता कर सकूं, उसे ढूंढो। इसलिए तारा वैन की तलाशी लेने लगती है, जहाँ उसे टिमोथी हैरिसन, लॉरा कैनिंगटन और एक फोन नंबर के साथ एड्रेस भी मिलता है, जो सारी चीजें वो बुलेट को बता देती है। जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ घंटों में सारी जानकारी निकालकर फिर से तुमसे संपर्क करता हूँ। जिसके बाद हमें फिर से तारा का जॉर्ज के साथ सेशन दिखाया जाता है, जहाँ वो उससे कहती कि तुम्हारी पत्नी को जिस चाकू से मारा गया था उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जिस पर फिर जॉर्ज अपना अपराध मान लेता है। अब ये सुनकर तारा उससे कहती है कि यदि तुम मेरी सारी बातें मान लो तो मेरी पहचान है, उनके जरिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। जो सुनकर जॉर्ज हैरान हो जाता है कि तारा उसके साथ सौदा कर रही है। अब वैन में ब्रूस तारा को एक ड्रेस देकर पहनने को कहता है, और वो ड्रेस देखकर तारा को पुरानी चीजें याद आने लगती है कि जब उसने पहली बार ये ड्रेस पहना था तब ब्रायन ने उससे कहा था कि हम दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, क्लब में नहीं, जो तुम इस तरह के कपड़े पहन रही हो। जो सुनकर तारा को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद बुलेट तारा से संपर्क करके कहता है कि मैंने इन नामों का पता लगा लिया, जिसमें 8 साल का एक बच्चा जिसका नाम टिमोथी हैरिसन था उसका अपहरण करके उसे मार दिया गया, और लॉरा कैनिंगटन जो कि 18 साल की एक लड़की थी उसका भी अपहरण करके उसे मार दिया गया, और जो एड्रेस तुमने बताया है उस एड्रेस पर ब्रूस रहता था, जिसकी पत्नी का नाम कैसेंड्रा था। पर एक दिन ब्रूस के घर में कुछ चोर घुसा है और उन लोगों ने उसकी पत्नी और 2 बच्चे जिसमें 8 साल का बेटा और 8 साल की एक बेटी थी उसकी भी निर्दयता से जान ले ली। पर ब्रूस इसमें बच गया और उसी ने टिमोथी और लॉरा का अपहरण किया।
अब इन सारी चीजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपना परिवार वापस पाना चाहता है दूसरे इंसान के रूप में, जो सुनकर तारा को समझ आ जाता है कि इसीलिए ब्रूस उसे कैसेंड्रा कह रहा था। और अब उसे एक लड़के और एक लड़की की जरूरत है जिससे उसका परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। फिर अगले सीन में तारा फ्रैंक नाम के लड़के के सेशन के बारे में सोचती है जिसने कई सारे लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मार दिया होता है। तारा उससे भी कहती है कि मेरे पास अच्छी पहचान है, तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो सुनकर फ्रैंक कहता है कि मुझे अपनी सारी गलतियों का पछतावा है, इसलिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी वैन में तारा को फ्रैंक दिखाई देता है जो उससे कहता है कि मुझे अपने अपराध पर बहुत गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता। और इतना कहकर वो खुद को वहीं शूट कर लेता है, जिसके बाद उसे जॉर्ज, एडी और रॉजर भी दिखाई देने लगते हैं और उन सभी की दिमागी हालत और ज़्यादा खराब हो गई होती है। अब रात को ब्रूस तारा के साथ खाना खाने आता है जहां तारा उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ब्रूस एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे कैसेंड्रा समझता है। तारा अब उससे कहती है कि मैंने हमारे बच्चों को मेरी बहन के वहां छोड़ दिया है, क्यों ना हम अभी उन्हें ही लेने जाए। जो सुनकर ब्रूस गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ, कैसेंड्रा की कोई बहन ही नहीं थी और आगे से मुझे अपने बातों में बहलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर वो एकदम घबरा जाती है। इसके बाद तारा ब्रूस से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए ताजी हवा लेनी है, इसलिए वो उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लाता है ताकि वो जगह को ना पहचान सके। अब बाहर आते ही उसे एक फाइटर जेट के गुजरने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही उसे चारों तरफ से पक्षी और हरियाली जैसी भी महसूस होता है, जिसके बाद ब्रूस उसे अंदर ले आता है और ब्रूस के जाने के बाद वो बुलेट से संपर्क करके उसे सारी बात बता देती है कि ब्रूस अभी मुझे बाहर लेकर गया था जहां मैंने एक फाइटर जेट गुजरने की आवाज सुनी और साथ ही यहाँ चारों ओर हरियाली भी है। जो जानकर बुलेट उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी उस जगह का पता लगाता हूँ कि जेट कहाँ से गुजरा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जो सुनकर वो थोड़ा राहत महसूस करती है। अब तारा फिर से पुरानी बातें सोचने लगती है जहाँ कर्नल उससे कह रहा होता है कि अब हम तुम्हें और नहीं रख सकते क्योंकि जिन भी लोगों का सेशन तुमने लिया है, पता नहीं तुमने उनसे ऐसा क्या कह दिया कि उन सभी ने आत्महत्या कर ली। यानी कि तारा सारे पेशेंट्स को झूठ कहकर विश्वास दिलाती थी कि वो उन्हें आज़ाद कर देगी और जब उन्हें मालूम होता कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकते तो वो लोग आत्महत्या कर लेते। अब वैन में बुलेट तारा से संपर्क करके कहता है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन पता लगा ली है और जिस वैन में तुम्हें रखा गया है वो भी मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं पुलिस को फोन करके सारी बात बताना चाहता हूँ ताकि वो आकर तुम्हें बचा सके क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ जो तुम्हें बचा सकूँ। अब ये सुनकर तारा की एकदम होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद बुलेट कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मिसकैरेज भी हुआ था। जो जानकर वो और ज्यादा घबरा जाती है और अब उसे उसके मिसकैरेज वाले विजन्स आने लगते हैं। और तभी उसे ब्रायन भी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुमने मुझे भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली, जो सब देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर सामने रखे चाकू को उठाकर खुद का हाथ काट लेती है। और अब हम उसे एक बाथटब के अंदर अपना हाथ काटते हुए देख पाते हैं, पर अगले ही पल उसका हाथ ठीक भी हो जाता है और फिर हम तारा की इन सारी एक्टिविटी को सीसीटीवी पर चलते हुए देखते हैं, जिसे ब्रायन, रिचर्ड और एक तीसरा आदमी देख रहे होते हैं। रिचर्ड फिर ब्रायन से कहता है कि क्या तुम्हारी दवा काम आ रही है, जिस पर ब्रायन कहता है कि हाँ बिल्कुल भी मेरी दवा काम आ रही है। और अब हम ब्रायन को जब तारा का अपहरण हुआ था उसके कुछ समय पहले घर आते हुए देखते हैं, जहां वो तारा के कॉफी में किसी तरह की दवा मिला देता है जिसे वो पी भी लेती है, जिसके बाद ब्रायन रिचर्ड और तीसरे आदमी से कहता है कि मेरी दवा लोगों के दिमाग के साथ खेलती है और इस दवा का नाम माइंड गेम है। यानी कि ब्रायन और तारा का संबंध ठीक ना होने पर ब्रायन ने तारा पर अपनी दवा का टेस्ट किया और उस दवा ने
सारा को उसके साथ हुए सारे गलत समय को दिखाया, जिससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। और यहाँ तक कि उसका कोई अपहरण भी नहीं हुआ था, बल्कि वो सब कुछ उसका सिर्फ हैलुसिनेशंस था जो उस दवा के कारण हुआ। और वो पूरे समय अपने बाथटब में लेटकर अपने साथ हुए सारे बुरे पलों को याद करके डिप्रेस्ड हो रही थी, जिस पर ब्रायन और बाकी नजर रखे होते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।